SOS क्या होता है? SOS एक कोड है जो इस बात का सिग्नल करता है कि कहीं पर कोई व्यक्ति या कोई जहाज एक्सट्रीमली क्रिटिकल और इमरजेंसी सिचुएशन में है और उसको इमीडिएटली हेल्प की जरूरत है। 1906 में एक इंटरनेशनल कमेटी बनी थी और उन्होंने इस चीज को रिकग्नाइज किया था कि हमको एक ऐसे ग्लोबल कोड की जरूरत है जो कि इमरजेंसी हेल्प के लिए यूज किया जा सके। 1908 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया और 1909 में एक क्रूजर शिप को जब मदद की इमरजेंसी मदद की जरूरत थी तब ये SOS कोड पहली बार यूज किया गया। दोस्तों उन दिनों में मोर्स कोड का ये कोड SOS एक कॉमन और यूनिक तरीका था आसानी से डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए, इमरजेंसी हेल्प मांगने के लिए। इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं था, ग्लोबली ये लोगों को समझ में आता था, बताया गया था कि इसका मतलब इमरजेंसी हेल्प है। आज क्योंकि ऑडियो विजुअल्स टेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है तो एक ऑडियो मैसेज मेडे धीरे धीरे SOS को रिप्लेस कर रहा है, बल्कि कर चुका है। आप देखते होंगे फिल्मों वगैरह में अगर कोई जहाज गिर रहा होता है तो मेडे मेडे पायलट बोलता है। लेकिन तब से लेके अब तक SOS एक ग्लोबल नॉर्म बन चुका है डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए, और जहां कहीं भी SOS लिखा होता है तो लोग समझ जाते हैं कि ये एक इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल आउट है। SOS कोड मोर्स कोड का एक कोड है। मोर्स कोड में 3 डॉट्स का मतलब S होता है, 3 डैश का मतलब O होता है, और फिर अगेन 3 डॉट्स का मतलब S होता है। तो इससे ये SOS कोड बनता है। चाहे मोर्स कोड में देखिए, चाहे इसको आप इंग्लिश लेटर्स में देखिए, ऊपर नीचे से एक जैसा दिखता है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है, कहीं से भी SOS दिखाई देता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि आगे और लोगों तक भी पहुँचे। थैंक यू।